जी मंदिर तो बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब तो दे मंदिर बना दिया, तारीख भी दे दी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ एकदम ठीक होंगे। आज उम्मीद है कि थोड़ी ठंड कम हो यहाँ पे, क्योंकि मौसम दिखा रहा है कि आज शाम होते होते 6 डिग्री 7 डिग्री ऐसे हो जाएगा और कल अगले हफ्ते से पूरा मतलब 10 डिग्री 12 डिग्री हो जाएगी, तो ठंड से काफ़ी राहत मिलेगी ऐसी उम्मीद है। तो फाइनली एनीवेज वीडियो के टॉपिक पर चलते हैं। तो आज हो रहा है फ्रांस में भी बहुत बड़ी प्राण प्रतिष्ठा यात्रा, जैसे मैं PDF यहाँ लगा देता हूँ। यहाँ पे बड़े बड़े हिस्टोरिकल साइट से होते हुए ये पहुँचेगी एफिल टावर तक, जैसे लूवर म्यूज़ियम होगा। तो बहुत स्पेशल परमिशन लिया गई है इस चीज़ के लिए, और मैं सभी हिंदू भाई और बहनों को बधाई देता हूँ कि 500 साल पुरानी उनकी जो लड़ाई है वो शांतिपूर्वक लड़के वो जीते हैं। और ये वाकई में दिवाली से कम नहीं है, ये 22 जनवरी, और होना भी चाहिए क्योंकि ये दिवाली के बराबर ही है। इनफैक्ट मेरे को लगता है कि हर साल अभी ऐसी फेस्टिवल बनेगा 22 जनवरी को, क्योंकि इतनी बड़ी जीत हुई है। श्री राम लल्ला विराजमान अपने भव्य मंदिर में आ चुके हैं, तो उन सभी लोगों को बधाई जिन्होंने इसके लिए तपस्या की, लड़ाई लड़ी। और बाकी बात करते हैं थोड़ी शांत जगह पर जाके। तो दोस्तों, बचपन से हम खबर सुनते हैं हमेशा मंदिर तोड़ने की, कभी इस जगह मंदिर टूटा है। अब इतिहास का पन्ने उतार कर देखो, वहाँ पर किसने मंदिर तोड़ा। आज पहली बार एक भव्य मंदिर बना है भगवान श्री राम जी का, तो ऑब्वियसली मुझे बहुत खुशी है सबके लिए, सभी अपने हिंदू भाई ऑल ओवर जितने भी हैं। और आज हमारे पेरिस में जो एक भव्य राम यात्रा होगी, अनफॉर्चुनेटली मैं जा नहीं पाया क्योंकि मैं किसी काम की वजह से फंसा हुआ हूँ, लेकिन मैं अपने दोस्त को बोला, उसने मेरे को रिकॉर्ड करके दिया, तो मैं उसकी थोड़ी सी झलक भी दिखाऊंगा आपको, आप साथ साथ देखते रहें। बहुत अच्छी यात्रा निकली सक्सेसफुल, ऑब्वियसली फ्रांस में ऐसे इनफैक्ट आप ऐसे चीज़ें नहीं कर सकते, लेकिन स्पेशल परमिशन ली है हम लोगों ने, इंडियन एम्बेसी सब ने जाके, तो उनको परमिशन मिली है यात्रा निकालने के लिए। तो हम ये स्पेसिफिक लोकेशन से ईफिल टावर तक आएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं हर जगह लोग सेलिब्रेट करें, भर भर के गाड़ियाँ, भर भर के लोग आई हैं और भगवान श्री राम का नाम ले रहे हैं, जय श्री राम बोल रहे हैं। और क्यों ना हो, ये एक छोटी दिवाली की तरह ही है, क्योंकि हर कोई मजाक उड़ाता था। लोग मुझे अभी भी याद है, लोग हमेशा बोलते थे मंदिर वही बनाएंगे, तो लोग मजाक उड़ाते थे, कुछ लोग, हर कोई नहीं, कुछ सो कॉल्ड एक्स सेकुलर और सो कॉल्ड लिबरल लोग, कि जी मंदिर तो बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब तो दे मंदिर बना दिया, तारीख भी दे दी, तारीख है 22 जनवरी। ये कान में अपने घुसा लो, जी में घुसा लो, लेकिन मंदिर तो बना दिया। और सभी हिंदू भाइयों और बहनों को बधाई बहुत बहुत, आप लोगों की 500 साल की स्ट्रगल है जिसकी वजह से आज नतीजा ये है। काफ़ी लोगों ने कई सेक्रीफाइस किए हैं, कई लोग फास्टिंग पे गए थे, 23 साल तक लोग फास्टिंग में रहे, और कुछ लोगों ने काफ़ी कुछ बलिदान किया। आज वो सब भी आ रहे हैं अयोध्या अपने भगवान श्री राम लल्ला को देखने के लिए, तो मेरे को भी बहुत इच्छा होती है यार, काश मैं अयोध्या जाऊं। लेकिन हाँ, मैं आपको ऑन कैमरा एक चीज़ प्रॉमिस करता हूं कि जब भी मैं इंडिया आऊंगा, मैं ज़रूर अयोध्या राम जी का भव्य मंदिर देखूंगा, क्योंकि ये एक सिंबल है अनडॉन्टेड स्पिरिट का, कि जितनी मर्जी आपने हिंदुओं को, जबकि 80% मेजॉरिटी है इंडिया में, फिर भी वो लोग कानूनी तौर से लीगल लड़ाई लड़े और फाइनली आज वो जीते और राम मंदिर हम सब के सामने है, तो बहुत खुशी की बात है। आप देख सकते हैं अभी तो गाड़ी आना शुरुआत हुई है, अभी आगे तो आप 20-22 गाड़ी लाइन से लग के आएंगी, तो फिलहाल क्योंकि ट्रैफिक कंजेशन हो जाता है इसलिए हम इतनी सारी गाड़ी एक साथ एक ही फ्रेम में नहीं लगा सकते हैं, तो ये आया जो आया। तो एक और मुझे बचपन से याद है, जब मेरे दोस्त और उनके पेरेंट्स, उनके ग्रैंड पेरेंट्स बोला करते थे, मतलब जब आज के टाइम पर मैं सोचता हूँ जो बहुत बुरा भी लगता है, वो ये लोग बोला करते थे कि लोकतंत्र की देखो शान, बंदी बने हुए भगवान, टांट के छप्पर पे रहते थे भगवान, और जब बारिश हुई तो जाना पड़ता था अदालत और वहाँ से फिर स्पेशल इजाज़त लेनी पड़ती थी। तो मतलब बहुत बहुत लोगों ने कष्ट झेला है, बहुत बहुत उनकी आस्थाओं को चोट पहुँची है, उसके बावजूद भी
आज यहाँ तक आ चुके हैं और ये बहुत बड़ा दिन है सभी हिंदू भाई और बहनों के लिए। तो क्या आप देख सकते हैं कैसे राम भक्त एक साथ मिलके पेरिस फ्रांस के कैपिटल में मिलके भगवान श्री राम का नारा लगा रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली मैंने म्यूज़िक थोड़ा कट आउट कर दिया क्योंकि कॉपीराइट का क्लेम आ जाएगा, लेकिन म्यूज़िक आप समझ ही सकते हो कौन सा होगा, कि भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम गाएगा वही वाला है। तो काफ़ी लोग फ्रेंच लोग भी आके पूछ रहे हैं कि ये सब क्या हो रहा है, तो लोग हम बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे ये हो रहा है, इसमें ये है इसमें वो है, पूरी कहानी हिस्ट्री जो है बता रहे हैं। तो वो लोग भी काफ़ी इंप्रेस्ड हैं। आपको मैं बीच में क्लिप में दिखाऊंगा कि कैसे वो लोग भी इंप्रेस्ड है, इसको सपोर्ट कर रहे हैं। एक ने तो मुझे याद है कि झंडा लेकर वो भी बोलने लग गया जय श्री राम। तो हमें खुशी हुई काफ़ी देखकर कि लोग इस चीज़ को एडमायर कर रहे हैं, और क्यों ना हो, भगवान श्री राम का एक तरह से जन्मदिन ही का कह लो। Jai Shri Ram! 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 Jai Shri
Good job.